सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोआरिफ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्नोआरिफ। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोटो G5 S+ और ये अपडेट के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं इसका लिंक कॉपी किए हुए हूँ, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मोटोरोला सपोर्ट का। तो यहाँ पर लिंक मैं पेस्ट करने के बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आया है। इसमें मोटोरोला जो भी फ़ोन में ओरियो अपडेट मिलेगा यहाँ पे सारा फ़ोन शो कर रहा है। तो मुझे मोटो G5 Plus का ओरियो अपडेट चेक करना है। तो देख सकते हैं मोटो G5 Plus यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे सर्च करना है आपको मोटो G5 Plus ओरियो अपडेट मेंटेनेंस नोट रिलीज। सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में मोटो G5 Plus मेंटेनेंस रोज रिलीज नोट 31/5/2018, इसका जो है ओरियो अपडेट रिलीज हो चुका है, और अभी मोबाइल में अभी तक नहीं मिला है। तो इसका अपडेट जो है आपको एक महीने के बाद मिल सकता है। इसका सिक्योरिटी पैच होगा 1 जून 2018 का। तो यहाँ पे जो भी फ़ोन है मोटोरोला का, ये सारे फ़ोन में ओरियो अपडेट मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा वेट करने होगा। इसमें बहुत सारा कुछ जो है आपका चेंजेस आएंगे फ़ोन में, जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल हो गया, बैटरी में इम्प्रूव होगा, फिर मेन्यू में इम्प्रूव होगा, बहुत कुछ सारा इसमें जो है चेंजेस आएंगे। तो इसी तरह से आप इसके अंदर भी और जा कर के चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या और चेंजेस आएंगे। सो यहाँ पे बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं किसी भी फ़ोन का मोटोरोला, किसी भी फ़ोन का चेक कर सकते हैं। तो आपको 1 जून 2018 का सिक्योरिटी पैच होगा, आपको जल्द ही मिल जाएगा ओरियो अपडेट। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।